masan.com के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं कि इंदौर शहर में लगे कर्फ्यू के दौरान जरूरी सामान खरीदने के लिए सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक दी गई छूट का किस तरह लोगों ने मजाक बनाया। इंदौर शहर वाकई तमाम दिनों का है। आज सुबह 7 बजे से शहर का जो माहौल देखने को मिला वो बहुत ही खराब था। कई लोग रहते राज मोहल्ला में है और घूम विजयनगर में रहे थे। सब्जी और दूध खरीदने के बहाने एक घर से कार में 4 लोग बैठकर सामान खरीदने आ रहे हैं। स्कूटर पर माता पिता अपने बच्चों को बिठा कर ले आए, बोले इसको भी घुमा लाते हैं। आखिर सवाल इस बात का उठता है कि जिला प्रशासन ने यदि कर्फ्यू लगा है तो उसका पालन कैसे होगा। 7 घंटे की कर्फ्यू में अघोषित छूट हो गई है। ये जरूरी सामान का मतलब आखिर क्या होता है? दूध और सब्जी दवाई की दुकानें चालू है, घर बैठे किराना का सामान भी आ सकता है। जरूरतमंद लोगों तक भोजन समाज सेवी संस्थाएं पहुंचा रही है। इतने सारे लोग इंतजाम में लग गए, लग रहा है कि कोई घर से ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शहर में घूम नहीं रहा है। फालतू लोग घूम रहे हैं अपने घर के आसपास। दूध और सब्जी लेने जाने में आधे घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगता है, तो लोग 5 घंटे शहर में क्यों घूम रहे हैं? कई लोग अपने रिश्तेदार और दोस्तों से मिलने निकल पड़े हैं। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि वे लोगों को रोके और पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, क्या सामान खरीदने जा रहे हैं, क्या आपके इलाके में सामान नहीं मिल रहा है क्या। किराने का सामान हर परिवार रूटीन में 15 दिन का तो रखता ही है। 5 दिन से लोग सामान खरीद रहे हैं, क्या 1 साल का सामान खरीद रहे हैं? रूटीन में हर परिवार सब्जी भी 2-3 दिन की तो ले लेता है, तो फिर रोज रोज सब्जी लेने के बहाने घर से क्यों निकल पड़े हैं? घर का एक व्यक्ति सामान नहीं ला सकता है क्या? ऐसा तमाम सवाल आज सुबह मैंने लोगों से पूछे तो लोगों का कहना था कि हम घर में कैद है, थोड़ा सा इस बहाने घूम भी लेते हैं। ये सुनकर काफी धक्का लगा, मन दुखी हुआ। इंदौर के लोग वाकई तमाशबीन है, ये लोग मानने को तैयार ही नहीं है। जिला प्रशासन को चाहिए कि जरूरी सामान खरीदने का समय सुबह 7 से 2 की बजाय सुबह 7 से 10 या 11 बजे तक का कर देना चाहिए। कोई मतलब नहीं है 7 घंटे कर्फ्यू में छूट देने का। अभी तो समय ऐसा है कि प्रशासन को ही देखता जरूरी है कि कितने लोग वास्तव में मदद के लिए शहर को चाहिए, सामाजिक संस्थाओं के लोग कितने होने चाहिए। यहाँ तक कि पुलिस और प्रशासन को देखना पड़ेगा कि जो लोग घूम रहे हैं वह अपने इलाके से दूसरे इलाके में तो नहीं घूम रहे हैं। सब के पास परिचय पत्र होना चाहिए। जो शहर में घूम रहे हैं, कार में यदि 4 लोग बैठे हैं तो 4 किस काम से जा रहे हैं ये देखना होगा। कि जो भैया वाहन पर 2 लोग जा रहे हैं तो दोनों से पूछना पड़ेगा किस काम से जा रहे हैं। जिला प्रशासन को सख्ती बरतना जरूरी है, उसके लिए सबसे पहले जरूरी सामान खरीदने का समय कम करना पड़ेगा। दूध और सब्जी तक आसानी से मिल रहे हैं, फिर शहर में निकलने का क्या मतलब है? इंदौर शहर के लोग आखिर कब सुधरेंगे? कर्फ्यू का मजाक बनाने पर तुले हैं और सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी अपील कर रहे हैं, खुद घर से अनावश्यक फालतू निकल रहे हैं, लोगों को सीख दे रहे हैं। ऐसे लोग को ठीक करने का काम पुलिस ही कर सकती है। इंदौर में पुलिस की सख्ती का असर देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो कोरोना वायरस अपना असर दिखा देगा। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए hamasan.com। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।